गुड मॉर्निंग, हैव अ हैप्पी संडे। तो आज हम सुबह सुबह आए थे कबन पार्क, और कबन पार्क आए ही है तो अजिंक्य ने 15 किलोमीटर दौड़ तो लगा ली। मैंने बुक पढ़ी है, इज गोइंग टू फाइंड अ गुड ब्रेकफास्ट प्लेस फॉर अस, और मैंने ऑलरेडी बुक शॉप्स बुकमार्क कर लिए थे। सिलेक्ट बुक शॉप नाम का एक बुक शॉप है जो मुझे बहुत टाइम से विजिट करना था, तो आज हम वो विजिट करेंगे। सो सी यू फ्रॉम देयर। तो अब मैं जा रही हूँ ब्लॉसम बुक हाउस क्रॉस करते करते, नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट बुक हाउस। अब वो खुला है या नहीं है मुझे पता नहीं, देखती हूँ। वो रेयर बुक्स मिलते हैं वहाँ पर, और वो सम 1978 से वो बुक शॉप बेंगलोर में है, सो इट इज़ वर्थ विजिटिंग। ब्रिगेड रोड के नज़ारे देखना काफ़ी स्पेशल होता है। ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी तक, ये चीज़ें खुल रही है यहाँ पर, कुछ खास एक्शन है नहीं। कभी इवनिंग में आएंगे तब एक्शन दिखेगा। So uncle, may I know when did this bookshop start? This one started in 1970s. Yes. Okay. And did you start the bookshop? Yeah, as far as this particular branch is concerned. Okay. Because is there any more branches? No. Only upstairs. Okay. Upstairs is there, but started. My father on Museum Road. Okay. Museum Road, yeah. And then we shifted after his demise. We shifted, I started this bookshop. Okay. My son also has joined me. Okay. So, but he works on all days except Sunday. He goes in such a books. Okay. But I come every day. Okay. Yeah. And I see there are collections which we will not find anywhere. Yeah. So how do you decide, like, what to keep in the bookshop? And because we do find a number of people coming and asking for this book, that book and all that. And we made a note of those, for example, this thing, all these are ledgers with wanted books. Okay. So naturally we go in search of those books, and we have been successful. Yeah. And for example, Ramchandra Guha recently came, yesterday, day for yesterday. Ooh. He bought one book. Wow. He is a good friend of ours. Great. Like that, right from his days of Delhi. Okay. Yeah. So I can see books that we will not find anywhere, and these are like number of books, like thousands of them maybe, and you can see how they are stacked up. अब यहाँ की खास बात ऐसी है कि इतने सारे बुक्स हैं यहाँ पर, आपको छाटने पड़ेंगे। इतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ और 2-3 घंटे ज़रूर बिताऊंगी। अंकल ने मुझे बोला है कि ऊपर भी एक प्लेस है जहां और सारी बुक्स है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर नॉर्मल बुक्स नहीं है जो हमें पता है, जो पता है वो भी है, जो नहीं पता, जो रेयर है, जो कलेक्शन ऐसा है कि जो नहीं मिलेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए कि ये नॉम चॉम्स्की की इंटरवेंशन नाम की बुक है, ये फिर ये कोलार गोल्ड फील्ड्स की बुक है,
ये हिस्ट्री बुक है। अब ये यही खास बात है ना कि ये कस्टमाइज्ड कलेक्शन है काफ़ी सारा। ऐसा वाला जो कलेक्शन होता है वो बहुत लोकल प्लेसेस में मिलेगा। कर्नाटक समर हम देख सकते हैं यहाँ पर। सो मैनीफोल्ड यूनिटी, तो यस, सो डॉक्टर भंडारकर की ये बुक लेक्चर ऑन द एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये मेघनाथ देसाई की, वो रोड द भगवद गीता। और मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये भी कि अब नोट कर लीजिए आप, यहाँ ज़रूर आना, यहाँ ज़रूर विज़िट करना। और मैं कुछ बुक्स अभी उठाने वाली हूँ यहाँ से, ख़ास करके ये वाली जो मुझे नहीं लगता और कहीं मिलेगी। तो यस, दिस हैज़ बीन वंडरफुल, बहुत अच्छा हुआ कि आ गई थी मैं यहाँ। और आप भी ज़रूर आइए बेंगलोर में है तो, और अगर बेंगलोर में आप कभी आना चाहते हो तो ब्लॉसम बुक शॉप, बुक वॉर्म ज़रूर जाइए, लेकिन ये वाली जगह जो है ये मिस मत करना, क्योंकि ऐसी जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सो गाइस, दिस वाज सिलेक्ट बुक शॉप, बहुत अच्छा था। ऊपर भी उनका एक शॉप है, लेकिन अभी मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं ऊपर जाके भी शॉप देखूं। तीन बुक्स मैंने यहाँ से उठा ली है। ओनली प्रॉब्लम विच आई फेल्ट इज़ इनके पास काफ़ी पुराना कलेक्शन है, और यहाँ पर ऐसा होता है कि ये जो प्रिंटेड प्राइस है, मुझे लगता है कि उसी पे उन्होंने बुक्स दी है। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये बुक्स आपको नहीं मिलेगी कहीं और, तो इसलिए ओके है कि आप ये प्राइस पे बुक खरीदो। लेकिन अगर आप बुक्स के शौकीन हो, आपको बहुत पसंद है बुक पढ़ना, और आपको लगता है कि आपका खुद का एक कलेक्शन हो, तो फिर तो बहुत, मतलब तो फिर बहुत अच्छा है कि आप ऐसी वाली बुक्स खरीदें, ऐसी वाली बुक्स पढ़ें। मेरे खुद के पास कलेक्टेड बुक्स है, मैं मेरा खुद का बहुत बड़ा कलेक्शन है बुक्स का, तो आई रियली डोंट माइंड स्पेंडिंग मच ऑन बुक्स। जनरली मैं कहीं और का खर्चा कम करके मैं बहुत सारा पैसा बुक्स पे ही स्पेंड करती हूँ। ऑलमोस्ट 2000 तो मैं मंथली स्पेंड करती हूँ। सो सिलेक्ट बुक शॉप में मुझे बड़ा मज़ा आया, और आप भी यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना। सो थैंक यू सो मच, आज की सुबह बहुत अच्छी रही है। आज हम सुबह सुबह, जैसे आपने वीडियो में देखा, हमने कबन पार्क की सैर करी, फिर इंडियन कॉफ़ी हाउस में ब्रेकफास्ट किया, और फिर अभी सिलेक्ट बुक शॉप में मैं आई थी। सो इट वाज अ वर्थ इट थिंग, और बहुत अच्छा संडे मॉर्निंग गया है मेरा। बाय द वे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सिंपली स्मार्ट होने का एक ये भी तरीका है कि आप बुक्स पे और रेयर बुक्स पे पैसे खर्च कीजिए, अपने पैसे वहीं खर्च कीजिए जहाँ पर आपको बहुत अच्छी फील आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हाय, कैसी रही आज की सुबह आपके लिए? बहुत मस्त। अरे मुझे क्या मज़ा आया, वो बुक शॉप मतलब एक यूनिक प्लेस है। वहाँ पर जो बुक मैंने देखी थी ना, वो मैंने किसी एग्जीबिशन में नहीं देखी थी, और इतनी सारी बुक्स इतनी छोटी सी जगह में इतने क्रम तरीके से रखी हुई थी। मुझे वहाँ पर 4 घंटे ज़रूर चाहिए एक दिन, जब अजिंक्य किसी ट्रैक पे जाएगा या फिर कहीं ट्रैवल करने जाएगा, तब मैं ज़रूर आऊँगी, और तब मैं बहुत सारा मज़े करने वाली हूँ, बहुत सारी बुक्स किताबें खरीदने वाली हूँ। सो यस, आज की संडे मॉर्निंग वर्थ इट रही। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो, एंड लाइक इफ़ यू लाइक इट, और कमेंट ज़रूर करना आपको कौन सी बुक चाहिए उसके बारे में, कमेंट ज़रूर करना। आपको अगर बैंगलोर का या मुंबई का कोई अच्छा बुक शॉप पता है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं वो बुक शॉप ज़रूर कवर करूँगी, वहाँ से कुछ
एडिशंस करूँगी अपने कलेक्शन में. सो बाय.